बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहता था। बहुत दिनों से बीमार रहने की वजह से लोमड़ी बहुत ही कमजोर और पतला होने लगा, ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था। ऐसे एक दिन लोमड़ी बैठे बैठे सोचने लगा, ऐसा कब तक चलेगा रे बाबा? ऐसा चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं बिना खाना खाए मर ही जाऊंगा। मेरे शरीर में तो अब पहले जैसा ताकत भी नहीं है, शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसे मरना नहीं है, किसी से मदद मांगना पड़ेगा। ये बोल के लोमड़ी जंगल में आगे चलना शुरू किया। तभी उसको उसका पुराना दोस्त बब्बर शेर का याद आ गया। अरे क्यों ना मैं अपना पुराना दोस्त बब्बर शेर से मदद मांग लेता हूँ। वो बहुत ताकतवर है और शिकार भी कर सकता है, उसे जैसे भी करके मनाना ही पड़ेगा। ये बोल के लोमड़ी बब्बर शेर के गुफा में पहुंच गया। दोस्त दोस्त, अरे कौन है रे? मैं लोमड़ी। अंदर आओ। अरे ये क्या हुलिया बना के रखा है रे? दोस्त क्या बताऊं, बहुत दिनों से बीमार हूँ, पहले जैसा ताकत भी नहीं है कि शिकार कर सकूं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हारा मन भी दया से भरपूर है। तुम जो बोलोगे मैं वही करने के लिए राजी हूँ। आज से मैं तुम्हारा दास बन के रहूँगा, कृपया मुझे थोड़ा खाना दे देना। अरे ठीक है रोना बंद करो, तुमको खाना मिलेगा। तुम हर रोज सुबह उठ के मेरे गुफा के ऊपर जो पहाड़ी है उसमें चढ़ जाना और देखना जंगल के रास्ते से कोई शिकार आ रहा है कि नहीं। जब भी तुम्हें कोई शिकार दिखे तो चिल्लाना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एक शिकार आ रहा है और मैं तुरंत निकल जाऊंगा उसे मारने के लिए। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है। अगले दिन लोमड़ी गुफा के ऊपर पहाड़ी में चढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक हिरन दिखाई दिया। एक हिरन तो इसी तरफ आ रहा है, शेर को जल्दी से बताना पड़ेगा। ओ, आज तो बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट हिरन का मांस खाने को मिलेगा, वाह। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि शेर को पता चल जाए कि शिकार आ रहा है। शेर भी जल्दी से हिरण को पकड़ने के लिए भागा। कुछ समय बाद मरा हुआ हिरण लेके वो वापस आ गया और दोनों मिलके वो खाया। उसके बाद अगले दिन लोमड़ी फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और इस बार उसे एक गधा दिखाई दिया। इस बार भी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। और शेर ने तुरंत जाके गधा को पकड़ लिया, फिर वो दोनों मिलके उसे खाया। ऐसे दिन बीतता गया, लोमड़ी भी धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगा। एक दिन लोमड़ी शेर को कहा, दोस्त दोस्त सुनो, तुम इतने दिनों से हर रोज शिकार पे जा रहे हो, आज मैं शिकार करके लेके आता हूँ। आज तुम मेरे जगह चले जाओ और मुझे खबर दो। अगले दिन शेर अपने गुफा के ऊपर पहाड़ी में चढ़ गया और कुछ समय बाद उसे एक हाथी दिखाई दिया। अरे सुनो, आज मैंने एक हाथी को इधर आते देखा है, मेरा मानो आज मुझे ही शिकार कर लेने दो,
तुम कल से शिकार कर लेना, हाथी को तुम नहीं मार पाओगे। हाँ? तुम क्या मुझे पहले जैसा कमजोर समझ रहे हो? मैं अब ताकतवर हूँ, मैं ठीक हाथी को मार के ही रहूंगा, तुम देख लेना। ये बोल के लोमड़ी हाथी की तरफ छलांग लगा दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वो हाथी के पैरों के सामने गिर गया। हाथी लोमड़ी के ऊपर अपना पैर रख के उसे कुचल के मार डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, आत्मविश्वास अच्छा है, पर वो जब हद से ज्यादा हो जाए तब वो नुकसानदायी हो सकता है।